आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिपेक्ष में आज आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही, पूरा देश मोदी में है, राम में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करे। 19 में कसर रह गई थी आजमगढ़ की, दोनों सीट है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं, जो जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है, जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं। तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, उनमें लालगंज और आजमगढ़ में, लेकिन बाद में उपचुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की, रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारा लेखा जोखा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में, जनता के बीच में, हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए महान जनता को बता रहे हैं। समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि है आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं, तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया है, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं, कितने उनके रोड शो हुए हैं, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हुआ। अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, उन सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह, केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं है, वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो जवाब इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए।